भाई अपने पुराने पिछले कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करेंगे जिसमें हम लोगों ने डॉपिंग के बारे में देखा था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 में डॉपिंग के बारे में बात की थी जिसमें हमने कहा था कि डॉपिंग जो है डॉपिंग सेमीकंडक्टर्स के अंदर दाखिल करने वाली ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जिसके थ्रू हम लोग सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एन टाइप और पी टाइप जो है डॉपिंग होने के बाद सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप आ जाती हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो पी टाइप डॉपिंग है वो हम लोग 3A के एलिमेंट्स लेकर करते हैं। 3A के पास जो कि जो 3A ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए जब हम लोग पी टाइप डॉपिंग करते हैं तो हमारे पास जो है होल बनना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, इसलिए हम लोग ऐसी डॉपिंग को कह देते थे कि ये पी टाइप डॉपिंग है। और एन टाइप डॉपिंग जो होती थी वो हमारे पास 5A के एलिमेंट के थ्रू होती थी। जब हम 5A ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट लेकर उसी सिलिकॉन के मटेरियल के अंदर डाल देते थे एज एन इम्प्योरिटी तो ये उसकी डॉपिंग हो जाती थी और इसे हम लोग एन टाइप डॉपिंग कहते थे। इससे हमारे पास क्या होता था कि 5A के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे उसके ऑर्बिटल के अंदर। तो होता क्या था कि सिलिकॉन को तो सिर्फ 4 चाहिए अपनी पेयरिंग के लिए, अपने जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था। इसलिए हमारे पास एन टाइप में जो है एक सेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता था। हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप को चैप्टर नंबर 17 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि ये किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग जो है डोपिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज इसी छोटे से कॉन्सेप्ट से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने अब करना ये है कि अगर हम लोग जो है एक ऐसा सेमीकंडक्टर का मटेरियल बनाएं जिसमें सिलिकॉन हो या हमारे पास जो है जर्मेनियम, इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल लें और उसकी क्रिस्टल को इस तरीके से हम लोग ड्रॉप करें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल सा बना हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हाफ पार्ट में हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और हम लोग जो है सिलिकॉन की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिलिकॉन को इस्तेमाल किया है अपना काम करने के लिए। हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उसकी क्रिस्टल को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन हम जो ड्रॉप कर रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे कि एक तरफ जो है हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर डाल देंगे पूरा का पूरा और दूसरी तरफ जो है हम पी टाइप सेमीकंडक्टर डाल देंगे जो कि सिलिकॉन का ही है। हमें मालूम है कि जो एन टाइप है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ई का सिंबल डालते हैं जिसे हमें पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एन रीजन में जो एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर उसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और ये जो दूसरा हिस्सा जिसे इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा है उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से होल्स का साइन दे लेते हैं। अब अगर कोई भी सेमीकंडक्टर कोई भी जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर है चाहे वो सिलिकॉन है या जर्मेनियम, उसे इस तरीके से ड्रॉप किया जाए कि एक सेमीकंडक्टर के दोनों हिस्से यानी कि दोनों टाइप्स पी टाइप और एन टाइप को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि इनके दरमियान जो है एक ऐसा रीजन सा बन जाए, एक ऐसी डिप्लेक्शन सी बन जाए, जंक्शन सा बन जाए, एक ऐसे जो है बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक पार्टीशन सी पार्टीशन लाइन बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास लाइट ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से अलहदा हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक जंक्शन के थ्रू इन्हें जो है आपस में जोड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो जंक्शन होता है, इस तरह की डॉपिंग जिसमें हम लोग जो है सेमीकंडक्टर्स के दोनों टाइप पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ देते हैं एक जंक्शन के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पी एन जंक्शन है, इसे हम लोग पी एन जंक्शन कहते हैं। आज इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पी एन जंक्शन किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हमारे पास पी एन जंक्शन को यूज़ करते हुए डिप्लेक्शन रीजन आ जाता है और किस तरीके से हम पी एन जंक्शन के थ्रू ही जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डायोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि पी एन जंक्शन उस वक्त बनता है जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को आपस में एक जंक्शन के थ्रू जो है जोड़ देते हैं, चाहे ये वाला जो क्रिस्टल है जिसे हम लोगों ने ड्रॉप किया है ये सिलिकॉन का हो या जर्मेनियम, दोनों में ही एन टाइप भी होती है और पी टाइप भी होते हैं। इन दोनों में से किसी भी मटेरियल के एग्जाम्पल को लेकर उसके दोनों टाइप को अगर आपस में आप जोड़ दें किसी जंक्शन के थ्रू, तो उस चीज़ को, उस मटेरियल को, उस क्रिस्टल को जो कि इस तरीके से ड्रॉप किया जाए उसे आप कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन है। जंक्शन इसलिए कहते हैं कि इसके दरमियान जो है एक पार्टीशन से लाइन से आ जाती है, एक जंक्शन बन जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जब हमारे पास डॉपिंग हो जाती है, हमारे पास पी एन जंक्शन बन जाता है, तो जो एन टाइप वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एन रीजन है
और ये जो दूसरा हमारे पास पी टाइप वाला रीजन होता है, इसे हम लोग कह देते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये पी रीजन है, यानी कि हमारे पास पी एन जंक्शन बनने के बाद दो रीजन्स बन जाते हैं, एक पी रीजन बन जाता है और एक एन रीजन बन जाता है। अब होता ये है कि हमें मालूम है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं, उसके मूवमेंट की, उसकी बिहेवियर वगैरह की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली फ्रीली मूव करते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर एन टाइप में जो है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं। अब होता ये है कि ये जो एन टाइप में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी फ्री मूवमेंट की वजह से जो है इस रीजन को जो है क्रॉस करते हैं। जैसे इस रीजन को क्रॉस करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे जंक्शन बना है, ये हमारे पास दरमियान में जंक्शन आ रहा है, इस जंक्शन को जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो पी टाइप में मौजूद होल्स हैं उस जगह जाके रुक जाते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इस होल के ऊपर आ जाता है और इस होल को फिल कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके, इस जंक्शन को क्रॉस करके इस होल के ऊपर आता है, तो इस होल के ऊपर आने की वजह से अब ये पूरा का पूरा जो होल है इसको इलेक्ट्रॉन ने कवर कर लिया है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसे कवर कर लिया तो अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर एक बाकायदा एक नेगेटिव आयन बन जाता है इस तरीके से। और हमें मालूम है कि जो नेगेटिव आयन है अब वो अपनी जगह स्टेबल रहेगा, अब वो यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन्स होल की जगह पर गया तो होल की जगह पर जाने से उसने वहाँ पर उसकी जगह को फिल किया और एक नेगेटिव आयन बना लिया। और जैसे ही एन रीजन से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर जाता है तो एन रीजन में क्या होता है कि एन रीजन में इसके बरक्स यहाँ पर काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन तो चूंकि अब पी टाइप में चले गया है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ उस चीज़ को पॉजिटिव कर जाता है और जिस चीज़ के पास जाता है उसको नेगेटिव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दूँ तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये हाइड्राइड आयन में बन जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब लेने और देने से दोनों तरह से जो है एटम्स के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पॉजिटिव आयन में चले जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नेगेटिव आयन में आ जाते हैं। अब इस तरह क्या होता चले जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह छोड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस आते चले जाएंगे एन टाइप में, और जो हमारे पास पी टाइप है उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जाके होल को जो है फिल करें तो वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो काम है ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते चले जाएंगे। एक वक्त अब क्या होता है कि ये काम चूंकि कंटिन्यूसली हो रहा होता है, तो ये काम होने की वजह से हमारे पास एन टाइप रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं पॉजिटिव चार्जेस की, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। और पी टाइप रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव आयंस की लेयर इस तरीके से बनना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये काम मजीद आके चलता चला जाता है तो इन लेयर्स की ये जो मोटाई या थिकनेस वो बहुत ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये जो हमारे पास लेयर्स बनती है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, ये लेयर्स जो हैं यहाँ पर एक रीजन बना देते हैं ये जो लेयर्स हैं। और इन लेयर्स के जो रीजन है ये जो हमारे पास है, बल्कि इस जंक्शन को यहाँ से हटा के मुझे ये बता देना चाहिए कि ये भी जो मेरे पास लेयर बने हैं ये लेयर्स चूँकि बनती चली जा रही है, तो ये जो लेयर्स हैं ये जो बनती चली जाती हैं तो यहाँ पे एक रीजन सा बन जाता है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं कि ये रीजन हमारे पास बेसिकली डिप्लेशन रीजन है, ये हमारे पास डिप्लेशन रीजन आ जाता है, जो कि किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री मूव करते हुए हमारे जंक्शन को क्रॉस करते हुए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर होल्स को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं जो कि अपनी जगह पर स्टेबल होते हैं। और उसके बरक्स जो है एन टाइप में पॉजिटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि अपनी जगह पर जो है फिक्स होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस इस वजह से बनते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती चली जाती है, और पी टाइप में नेगेटिव चार्जेस इस वजह से बनते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है ज्यादती या बहुतात होती चली जाती है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एक रीजन सा बन जाता है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं कि ये डिप्लेक्शन रीजन है। हमारे पास क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं ये लेयर्स भरती चली जाती हैं, इन लेयर्स के भरने की वजह से पी और एन टाइप के दोनों इतराफ में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वजह से
और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एन टाइप वाले हिस्से पर जो है पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है और यहाँ पर जो है पी टाइप वाले हिस्से पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। और आपको मालूम है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों तरफ में आ जाए तो उनकी वजह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। वो क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बन गया। ये डिप्लेशन रीजन क्या करता है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने से रोकता है। जैसे ही यहाँ से इसको रोकता है तो यहाँ पर जो है डिप्लेशन रीजन की जो लेयर्स हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं, तो इनडायरेक्टली हमारा जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता बढ़ता यहाँ तक बढ़ जाता है कि अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जाने से रोक देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जाने से रोक देता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो जंक्शन था हमारा, अब चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है जो कि मजीद इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव नहीं करने दे रहा, उस पोटेंशियल की वजह से अब इस डिप्लेशन रीजन को कहा जाता है कि अब ये जो डिप्लेशन रीजन है चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। वो पोटेंशियल बैरियर क्या करता है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने से रोकता है। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू भी होती है, चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स डायोड्स वगैरह में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बना है, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन है, चाहे वो सिलिकॉन का पीएन जंक्शन है या हमारे पास जर्मेनियम का पीएन जंक्शन है, उसके अंदर हमारे पास पीएन जंक्शन बनने के बाद जो है इस तरीके से डिप्लेशन रीजन आता है। डिप्लेशन रीजन के बाद हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास पोटेंशियल बैरियर आता है जो कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन में जाना बिल्कुल ही बंद कर देता है, उनको रोक देता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन में जाने से रोक दिया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियल बैरियर आ गया है। पोटेंशियल बैरियर जो है वो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। और अगर हमारे पास जर्मेनियम आ जाइए तो हमारे पास सिलिकॉन के केस में आ गया ना, और अगर हमारे पास जर्मेनियम आ जाए तो जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू जो है 0.3 वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंस वैल्यू होती है डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास पीएन जंक्शन को इस्तेमाल करके यहाँ पर हमारे पास जो है डिप्लेशन लेयर आ जाती है। डिप्लेशन रेट की वजह से डिप्लेशन जो रीजन बन जाता है और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। और ये जो है हमारे पास डिप्लेशन लेयर्स आ जाती हैं, ये हमारे पास डिप्लेशन लेयर आ जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बन जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन में किस तरीके से हम लोग जो है डिप्लेशन रीजन बनाते हैं, किस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल बैरियर आता है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप में मौजूद होते हैं और ये जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप में जाते हैं, जिसकी वजह से एन टाइप में पॉजिटिव आयंस बनना शुरू हो जाते हैं और पी टाइप में नेगेटिव आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ऐसा इनके बनने की वजह से एक रीजन बनना शुरू हो जाता है जिसे हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और उस रीजन में डिफरेंट लेयर होती हैं, वो लेयर क्या करती है मजीद भरते भरते एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसे रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। उस बैरियर को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जिसमें हमें पीएन जंक्शन के थ्रू जो है पोटेंशियल बैरियर मिला, उसके थ्रू हमें डिप्लेशन लेयर मिली, हम इसे इस पूरे की पूरी चीज़ को जो है हम सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम जो है इसे बायसिंग वगैरह करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन को हम लोग जो है एक डायोड बनाते हैं। उस डायोड में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर का एक मटेरियल होता है जिसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों होते हैं और उनके दरमियान जंक्शन भी होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर्स लगा देते हैं, एक वायर यहाँ से निकाल देते हैं और एक वायर जो है एन टाइप हिस्से से निकाल देते हैं। ये दोनों वायर्स निकाल देते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे मटेरियल को जो है एक मेटल या जो है हमारे पास ग्लास का बना हुआ कोई भी मटेरियल होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर रख देते हैं और वायर्स को जो है उस बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। अब वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर एन टाइप और पी टाइप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन के हों या जर्मेनियम के, और उनसे ये जो वायर्स हम लोगों ने बाहर निकाली होती हैं, तो अभी पूरा का पूरा मटेरियल है जो ये जो मटेरियल है जिसके अंदर से हम लोगों ने वायर्स को बाहर निकाली है, इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये हमारे पास डायोड है। तो ये हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर डायोड आ जाता है, ये कंडक्टर डायोड।
इसे हम लोग डायोड कहते हैं। अब डायोड को जो है बायस करने के भी दो तरीके होते हैं, इसे या तो हम फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं या रिवर्स बायस कर सकते हैं। बायसिंग का मतलब बेसिकली ये होता है, बायसिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि ये हमारे पास एक पीएन जो है डायोड है, पीएन जंक्शन के थ्रू जो हम लोगों ने एक डायोड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास जो है एन टाइप है और ये पी टाइप है, हमने इसमें से जो है वायर्स निकाल के इस तरीके से ये एक डायोड बना दिया। और डायोड को जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इस सिंबल के थ्रू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है डायोड को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है जिसमें यहाँ पर एन होता है और ये जो हमारे पास पी होती है। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो ये है, ये साइन जो है वो शो करता है कि यहाँ पे एक डायोड है। और वैसे डायोड इस तरीके से बनता है। अब क्या होता है, बायसिंग हम इस तरीके से करते हैं कि अगर तो ये वाला जो डायोड हम लोगों ने बनाया है पीएन जंक्शन के थ्रू, इसमें ये जो हमारा पी टाइप है, इस पी टाइप को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दूँ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो एन टाइप है इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दूँ, तो ये मेरे पास जो है फॉरवर्ड बायस बन जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग आ गई हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इस सिचुएशन में क्या किया है कि अपना जो पी टाइप है उसके टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया है। लेकिन अब अगर हमारे पास इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करें कि ये हमारे पास वैसा ही सिंबल है, ये पी है और ये जो हमारे पास एन है, ये हमारे पास एक डायोड है। अब अगर हम ये काम करें कि हम जो हमारा पी टाइप है उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और जो हमारा एन टाइप है उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दें, तो ये जो चीज़ है ये हमारी रिवर्स्ड बायस बन जाती है, ये हमारी रिवर्स बायसिंग में आ जाती है। क्योंकि इस चीज़ में हमने क्या किया है कि हमने काम रिवर्स कर दिया है, हम लोगों ने अपने जो पी टाइप है जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के, और जो एन टाइप है उसे हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाली जो बायसिंग होती है हमारी रिवर्स बायसिंग बन जाती है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस डायोड को बैटरी के साथ कनेक्टेड करने के दो वे होते हैं, या तो हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या पी टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ये बैटरी को कनेक्टेड करते हैं तो ये जो कनेक्शन के तरीके हैं इन्हें बेसिकली हम लोग बायसिंग कहते हैं कि हम किस तरीके से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जब हम लोग ये पीएन जंक्शन बना रहे होते हैं, पीएन जंक्शन बन जाता है और उसके बाद इसे डायोड में कन्वर्ट करते हैं और इसे एक जो है वो मेटल या हम लोग जो ग्लास के मटेरियल में रख कर उससे वायर निकाल लेते हैं, तो हमारा जो है डायोड तैयार हो जाता है। इस डायोड के बाद ये जो इसका हमारे पास पी वाला हिस्सा होता है ना, इसे बेसिकली हम लोग एनोड कहते हैं कि ये हमारा एनोड वाला पार्ट है। और जो हमारे पास एन टाइप वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कह देते हैं कि हमारे कैथोड है, तो ये एनोड और कैथोड बन जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग बैटरी के साथ डिफरेंट वे में जोड़ देते हैं, दो ही वेज होते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं या रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो जंक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं, रिवर्स बायसिंग कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग जो है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में भी देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं और किस तरीके से रिवर्स बायसिंग कर सकते हैं।